Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. We love you, Lord. We worship you. We glorify your holy name. We worship your holy name. We praise you, Master. We love you, Lord. धन्यवाद प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपके करते हैं। फिर से एक बार खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में, हे एल शदाई यहोवा पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सी शाम के समय के लिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते राजा। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आज की होने वाली सेवकाई के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु परमेश्वर। जो पापों में बातों पर हम कैसे जय पाए, ये परमेश्वर महत्वपूर्ण बात परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर अध्ययन करने जा रहे कि ये महत्वपूर्ण बात है जो दुष्ट नाना प्रकार की जालों में विश्वासियों को, परमेश्वर के चुने हुओं को भरमाने की कोशिश कर रहा है। इन सब बातों के ऊपर हम कैसे जयवंत हो जाए वो अनुग्रह तो हमें दे, ताकि प्रभु जी हम सही रीति से आपको समझ सके, पवित्रता की चाल चल सके, दुष्ट की कोई भी चाल हम पर परमेश्वर प्रभु सफल ना हो जाए तो प्रभु हम उसके हरे कुछ चालों के ऊपर जयवंत हो जाए, इसलिए प्रभु तो हमारी सहायता कर। नाना प्रकार की समस्या आएगी लेकिन प्रभु हम तेरे पीछे चलते रहे ऐसा अनुग्रह तो हमें दे। हम कभी भी परमेश्वर ना तन की ना मन की ना धन की ऐसी कोई भी परमेश्वर अभिलाषाओं में हम ना गिरे, इसलिए प्रभु तो हमारी सहायता कर राजा, दया कर अनुग्रह तो कर, सहायता कर। आने वाले परमेश्वर वचन के द्वारा, होने वाले आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा तेरी महिमा होने दे। जो भाई बहन परमेश्वर प्रभु आज इस पेज के ऊपर तेरे कलाम को सुनने के लिए जुड़ने जा रहे तो उनकी अगुवाई कर, और खुदा उनके जीवन में तेरे कलाम के द्वारा तो आज एक नया काम कर, दया कर प्रभु। जिस क्षेत्र में हम कम है प्रभु वहाँ पर तो हमें सहायता कर और तो हमें बढ़ा, जहाँ पर हम कमजोर है तेरे कलाम की रोटी के द्वारा तो हमें तगड़ा बना, जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे तेरा उजाला लेकर आ। भले फिर आज का वचन एक मार्गदर्शन हो या एक डांट हो या एक मिठास हो या कड़वा हो, जैसी तेरी इच्छा है वैसा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। धन्यवाद देते होने वाले आराधना परमेश्वर तुझे प्रसन्न करने वाली है प्रभु। हमारा जीवन तेरे हाथों में समर्पित करते, विनती करते तो हमारी सहायता कर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगता हूँ, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का यीशु नासरी के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु अवसर उसने मुझे फिर से एक बार दिया, इसलिए मैं सारा आदर सारी महिमा उस परमेश्वर को देता हूँ। उसी के साथ साथ जो इस पेज के ऊपर जो भाई बहन जो देखते हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, जो देखेंगे उनका भी स्वागत करता हूँ। आज का वचन जो अध्ययन हम करने जा रहे, पापोमय बातों पर हम कैसे जय पाए, तो आइए इस वचन के ओर चलने से पहले आराधना का एक गीत गाएंगे। भले आपके राहों में कितने भी कांटे हो लेकिन डर मत, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. We love you, Lord. We worship you. Oh, Lord, we worship you. We praise you, Master. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास
विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। यस खुदावन, हम विश्वास करते हैं तू संसार के अंत तक हमारे साथ है यीशु। यस फादर, लॉर्ड वी लव यू जीसस, वी वर्शिप यू मास्टर। आंधी आने दो याने दो तूफान, आंधी आने दो याने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। यस लॉर्ड, हमारे साथ रहने वाले खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड, भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Oh Lord, धन्यवाद देते यीशु, आपकी महिमा करते राजा, आपको ऊंचा उठाते राजा, तू सच में अच्छा परमेश्वर है। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, यीशु तेरे साथ है, डर मत, वो तेरे हमेशा साथ है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, सारी महिमा हम आपको देते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू अब्बा फादर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, Father Jesus, we love you Lord, we worship you Master, thank you Abba Father, and dhanyavad dete Raja ko, Yeshu Masih, tere jaisa hai koi nahi, चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन, यीशु मसीह तेरे जय
जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यस लॉर्ड, हम आपकी होसना करते रहेंगे, तू हमारा राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, तुझे हम महिमा सदा देते रहेंगे राजा, तेरी महिमा हम सदा सर्वदा करते रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता, हम आपके सामने आते हैं, अपने हृदय को तेरे चरणों में आज समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वेलकम लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर, वी प्रेज योर होली नेम। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजा हो का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आपकी होसाना करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं, तुझे महिमा आदर देते हैं। यस लॉर्ड फादर, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। इस आराधना का परमेश्वर को आप स्वीकार करो। हम गाए हो साना, तू राजा हो राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह हमारा। Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We praise you, Master. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद राजा। तुझे सारा आदर सारी महिमा देते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Jesus. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का कलाम हमारे लिए आशीष का कारण बना, और प्रभु पाप में बातों पर किस तरीके से हम जय पाए। प्रभु बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के पापों में फंसे हुए, और प्रभु तेरा कलाम कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह हमें अनंत जीवन देता है। लेकिन कभी कभी बातों में परमेश्वर हम प्रभु जी हम समझते नहीं हम क्या कर रहे। प्रभु
बहुत सारी गलतियों में हम पढ़ते हैं प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु, सहायता कर, हम सबसे बात कर, यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। आइए चलते हैं परमेश्वर के कलाम में, और जो आज का जो भाग हम देखने जा रहे वही विषय है, मनुष्य के जीवन में सभी बातों पर वो जयवंत है। अपने जीवन में शायद वो अच्छा धन कमा रहा है, शायद वो अच्छा नाम कमा रहा है, शायद अच्छी सेवकाई कर रहा है, परिवार चला रहा है, लेकिन उसके जीवन में ऐसी कुछ बातें हमें दिखती है जिसके वजह से वो नाना प्रकार की पापमय बातों में फंसा हुआ रहता है। अब खुदावन नहीं चाहता है कि मनुष्य इस तरीके से पाप की बातों में फंसा रहे। आज प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य के जीवन के ऊपर पाप प्रभुता कर रहा है, मनुष्य के जीवन में पाप राज कर रहा है, और इन सभी बातों में आज मनुष्य फंसा हुआ है। आज नाना प्रकार के बंधनों में मनुष्य अपना जीवन, भले ही मनुष्य बाहर से दिखाने के लिए तो बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन अंदर से वो दुर्गंधी, वो सड़ा हुआ स्मेल आज उसके जीवन से, परमेश्वर आज उस बातों की वजह से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं दुखी है। अब उसे लगता है कि मेरे पुत्र का बलिदान इस व्यक्ति की वजह से व्यर्थ हो रहा है। लेकिन आज तुम्हारा मेरा मकसद ये होना चाहिए अजीजो, हम पाप के लिए जीने वाले लोग नहीं है, तो हम पाप से जिसने हमें उद्धार दिया है उस यीशु मसीह के लिए जीने वाले लोग बने। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसके ऊपर मनुष्य विचार नहीं करता है, वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ रहता है। अब उसे लगता है कि मैं मेरे जगह पर सही हूं, लेकिन हम इंसान के सामने कितनी चाहिए उतनी एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताना है आपको कि आज हमारे जीवन में वो पवित्रता की चाल अगर नहीं चल रहे तो हमारे लिए एक संकेत है। बहुत सारे प्रचार बता रहे कि ये सब जो घटनाएं घट रही है, कुछ लोग कहते कि एंटीक्राइस्ट आने के रास्ते पर है। अगर एंटीक्राइस्ट आने के रास्ते पे तो सेवियर क्राइस्ट भी आने के रास्ते पर है, और वो उन्हें ही लेकर जाएगा जो लोग उसे वफादार है, जो उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे, जो अपने शरीर की लालसाओं को आत्मा की तलवार से काटते हैं और अपना जीवन आत्मा के पक्ष में जीते हैं, इसलिए उनके जीवन में पाप की प्रभुता काम नहीं कर रही है। वास्तविक कोई कहेगा मैं पाप नहीं करता हूं तो वो सबसे बड़ा झूठा या मक्कार है। हम मनुष्य स्वरूप में गलतियां करते हैं, लेकिन एक ही गलतियां बार बार अगर दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पौलुस कहते हैं कि जो मुझे करना है वो मैं नहीं करता हूं, और जो नहीं करना है और वो मैं करता हूं तो वो कुछ नहीं, जो मेरे भीतर रहने वाला पाप ये सब बातें करता है। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद क्या था? यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद कुछ लोगों ने कहा कि केवल चंगाई, कोई तो अभी कह रहे कि केवल बरकत, आशीष, गुड लाइफ। लेकिन मुझे आपको बताना है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि उसका लहू जो शुद्ध और पवित्र है, जो हर एक पापी को उद्धार दे। बाइबल कहती है लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। लेकिन तुम्हारा मेरा उद्धारक, उसने बकरों का, गाय बैल का, भेड़ का लहू नहीं बहाया, तो वो खुद बलिदान का भेड़ बनकर आया, वो मेमना बनकर आया, वो खिदमत का मेमना बना, जिसके बारे में बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना लोगों को कहता है कि देखो देखो ये है परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पाप को अपने कंधों पे उठा के लेके जाएगा। आज मुझे आपको बताने अजीजो, क्या हमारा जीवन ऐसी कुछ गलत बातों में है? जो बातें परमेश्वर को भाती नहीं है उन्हीं बातों में हम जीवन जी रहे? तो आज मुझे आपको बताना है अजीजो, अगर मैं यीशु को जानता हूं, मैंने उद्धार को ग्रहण किया है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं उसका एक चेला बनकर चल रहा हूं,
लोग, लेकिन तो भी आज मेरे जीवन में कहीं ना कहीं अगर कुछ गलतियों को मैंने संभाल के रखा है, वो उजाला है। अब उजाला और अंधेरा एक जगह में रह नहीं सकता। 50-50 लाइफ हम जी नहीं सकते, इसलिए आज हमें हमारे जीवन को अच्छी तरीके से आज जांचना होगा कि क्या सच में मैं खुदावन की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं। और जो वचन हमने इस भाग के लिए चुना है वो है भजन संहिता 119 और वचन 11। अब वो वचन क्या कहता है? दाऊद कहते हैं, हे खुदावन, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मेरे मन में मैंने संभाल के रखा है, महफूज रखा है। अब दूसरा वचन हमने नए नियम में लिया है, वो है दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय और वचन 3-4 में अगर देखेंगे कि वचन का मकसद वहां पर है, क्या मकसद है, आइए उस वचन को पढ़कर फिर अपने मूल संदेश के पास हम चलेंगे। चार वचन पढ़ता हूं, जिनके द्वारा दूसरा पत्र सेकंड पीटर चैप्टर 1:4, सेकंड पीटर चैप्टर 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। प्रतिज्ञा मतलब वचन दिया है, मराठी में इसका भाषांतर दिया है, अनमोल और अति महान वचन हमें दिए गए हैं, ओके, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट दुर्गंधी सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। वचन का मकसद क्या दिया है पता है यहाँ पे? वचन का मकसद दिया है कि तुम अब मैं ईश्वरी स्वभाव के बन जाए। अब मैंने जैसे बताया था, मैं फिर से एक बार आपको वो बात दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद, फर्स्ट मोटिव ऑफ फादर, परमेश्वर का पहला मकसद क्या है अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए, तो आइए उस वचन को भी पढ़ते हैं। रोमियों का 8 अध्याय और वचन 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी, नियुक्त किया भी, क्यों ठहराया कि उधर आया कि या क्योंकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो भाइयों में पहलौटा ठहरे। पिता का मकसद क्या था पता है? पहला मकसद यह है, जो आदम, पहला आदम जो परमेश्वर का प्रतिरूप था, वो आदम जो शरीर से था, जिसने पाप करके, पाप किया मतलब क्या किया, जिसने आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद जो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर का प्रतिरूप था, वो उसने गवा दिया, उसका नंगापन उसके सामने आ गया, जो परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाला वो परमेश्वर से दूर चला गया। अब जो नुकसान आदम की वाटिका में जो भी आदम ने उठाया था, उस नुकसान की भरपाई के लिए पिता ने बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन उसमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर वो नबी होंगे, फिर वो परमेश्वर के संत होंगे, वो काम वो सक्सेसफुल नहीं कर पाए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, ट्रिनिटी में से फादर ऑफ गॉड ने सन ऑफ गॉड को भेजा, इसलिए भेजा कि हम उस पुत्र के स्वरूप के हो जाए। हम उस पुत्र के स्वरूप के हो जाए मतलब हम परमेश्वर के स्वरूप हो जाए, मतलब परमेश्वर नहीं बन जाए, परमेश्वर के स्वरूप में होना मतलब परमेश्वर की पवित्रता में हम ढल जाए। परमेश्वर की पहचान क्या है? पहली पहचान, जब जब स्वर्ग खुला है ना, तब तब एक ही आवाज सुनाई देती है, पवित्र पवित्र पवित्र। हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो जाए मतलब हम परमेश्वर की नई पवित्रता का जीवन जिए। आप दुष्ट हजारों सालों से अदन की वाटिका से लेके आज तक उसका मकसद एक ही है कि जो पवित्रता का जीवन जी रहे उन्हें दुष्टता के राह पर लेकर आए, अशुद्धता के राह पर लेकर आए, उन्हें सब गलत राह पर लेकर आए। और पवित्र आत्मा का एक ही उद्देश्य है, जो दुष्टता की राह में है उन्हें पवित्रता की राह पर लेकर आए। आज हम ऐसी लकीर पर खड़े हुए उद्धार पाने के बाद भी,
ऐसी लकीर हमारे पैर के नीचे है जो इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी हमारा बैलेंस अगर दुष्ट के पक्ष में चला जाता है तो अच्छे अच्छे प्रचारक, अच्छे अच्छे सेवक, बड़े बड़े अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, उनको भी शैतान इस्तेमाल करता है। गौर से सुनो इन बातों को। जब अगर आप देखोगे बाइबल में एक जगह पर, हम उस पर नहीं जाएंगे, एक जगह पर बाइबल कहता है कि शैतान ने दाऊद को भरमाया। बहुत सारे लोग कहते हैं फिर दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर काम करता था, फिर शैतान ने कैसे उसको भरमाया। हम जब उद्धार पाते ना, हम उस लकीर पे होते हैं, हमारा एक गलत निर्णय, हमारा एक गलत सोच, हमारी एक गलत एक प्रकार की विश्वास की क्रिया अगर संसारिक दशा में आ गई तो फटाक से जो दुष्ट जिसे पाप कहा जाता है वो पाप, उत्पत्ति 4:7 कहता है केन को परमेश्वर ने कहा देख पाप वहां पर तुझ पर तेरी ताक में है, तू कब गलती करेगा और कब तुझे झपेट लो। जब हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं वो गलतियां क्यों करते हैं, जब हम एक एग्जांपल नए नियम से भी देखते हैं, उसी पत्रस को जब किसी ने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, जब 72 से चेले छोड़कर चले गए, 5,000 की रोटी खाने वाली भीड़ चली गई, 72 चेले जिन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए वो भी चले गए। योहन्ना का 6 वचन 67 में और 67 वचन में प्रभु कहता है क्या तुम भी जाना चाहते हो, तब पत्रस वहां पे खड़ा रहता और कहता है कि प्रभु तुझे छोड़कर जाए तो कहां जाए, जीवन के वचन तेरे पास है। परमेश्वर की आत्मा में बोलने वाला वही पत्रस जिसको सवाल उठा गया, सब मुझे लोग क्या बोल के जानते हैं और तुम क्या जानते हो, उन्होंने कहा कुछ इलिया कहता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, पत्रस ने कहा प्रभु तू तो परमेश्वर का पवित्र जन है, तू मसीहा है। अब तब यीशु मसीह कहता है कि तुझे ये मांस और लहू ने प्रकट नहीं किया, तो मेरे खुदा की, मेरे पिता की रूह ने तुझे ये प्रकट किया है। तो सुन पत्रस, पत्रस नाम की चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया का निर्माण करूंगा जिसके खिलाफ अधोलोक के फाटकों का कुछ काम नहीं चलेगा। लेकिन सडनली कुछ समय के बाद पत्रस को हम देखते हैं जब यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र का पकड़वाना जाना जरूरी है, उसे सूली पे लटकाया जाएगा, उसे मारा जाएगा, वो तीसरे दिन मृत्यु से जिलाया जाएगा, तब पत्रस यीशु को साइड में लेकर कहता है मैं ये होने नहीं दूंगा। तब यीशु मसीह कहता है हे शैतान इससे चला जा। ये कैसी बात है, ये कौन सी बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो एक लकीर है, लकीर के पहले हम अगर पवित्र जीवन जीते, लेकिन लकीर के वो साइड अपवित्रता दुष्टता भरी हुई है। एक सूक्ष्म लाइन है, हमारे जो सर के बाल है ना वो बाल की लाइन भी बड़ी होगी, उससे भी सूक्ष्म लाइन है। कभी कभी हमारा संसार का निर्णय, संसार की सोच, संसार की बातें, उसमें अगर हम घुल मिल गए ना, ऑटोमेटिक बड़े बड़े अभिषिक्त जो है वो अभिषिक्त को पान खाकर जैसा कोई पान वाला थूकता है वैसे लोग अभिषिक्त को थूक देते हैं और दुनिया के बन जाते हैं। क्यों, हमें समझना होगा। इसलिए बाइबल कहती है कि सावधान रहो, तुम गिरे नहीं इसलिए संभल जाओ, पवित्रता की चाल चलो। आज वो चाल हमें चलनी जरूरी है। और गलतियों की किताब में हमने देखा है, जो हमने परसों के दिन जहां पर हम थोड़ा सा पढ़कर आगे चले गए थे, 5 में हमने वचन 16 में कहा था, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो मतलब करते रहना है क्या कंटिन्यू? आत्मा के अनुसार चलना मतलब केवल होली स्पिरिट ग्लोरी 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 करना है क्या? आत्मा के अनुसार चलो मतलब योहन्ना 6 वचन 63 में कहा गया है, खुद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरा कलाम जीवन और आत्मा है। समझ में आ रहा है, मेरा कलाम जीवन और आत्मा है। इसका मतलब वचन के अनुसार जो चलता है वही व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है, फिर भले उसको अन्य भाषा नहीं आती होगी,
फिर भले उसको चिन्ह चमत्कार उसके प्रार्थना के द्वारा नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति वचन के अनुसार अपना कदम बढ़ाता है, फिर वो वचन के अनुसार चलते वक्त कभी कभी वो अपनी शारीरिक इच्छाओं का खात्मा करता है, कभी कभी वो मनुष्य को अपने जीवन से दुखी करता है, लेकिन खुदावन को संतुष्ट करता है, वही व्यक्ति है जो पवित्रता की चाल चल सकता है। हालेलुया। आज ये बातें बहुत गहराई की बातें है। बहुत सारे लोग इन बातों के ऊपर प्रचार नहीं करते, बहुत सारे प्रचारक होलीनेस के बारे में नहीं प्रचार करते, पवित्रता के बारे में प्रचार नहीं करते, व्यभिचार के बारे में खुलेआम बात नहीं करते। अभी टीवी के ऊपर सब बातें खुलेआम आ रही है, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में आ रहा है। हमारा सरकार कहता है कि तुम गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल करो, भले फिर तुम पाप करो। आज गवर्नमेंट ये परमिशन दे रहा है, पाप करो, लेकिन प्रिकॉशन लेके पाप करो। लेकिन बाइबल का परमेश्वर पाप करने की अनुमति नहीं देता है। अगर मसीह तुम में राज करता है और मसीह तुम्हारे भीतर है, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। आइए चलते हम उस वचन की ओर जहाँ पे कुछ बातें हमें आज देखनी होगी। अब वो बात हमें रोमियो का किताब इसका 6 अध्याय और वचन 12 से आगे हम पढ़ेंगे। चलते, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। क्या राज्य ना करे? पाप तुम्हारे नश्वर मतलब नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम किसी उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आपको शरीर के अधीन रहना है तो आप पाप करते रहोगे, अगर आप आत्मा के अधीन रहोगे तो आप पवित्र जीवन जीते रहोगे। एकदम सिंपल वे में आप कहेंगे, पास्टर जी आपके बहुत रेवलेशन के मैसेज सुनते हैं, लेकिन ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। मुझे आपको बताना है कि दुष्ट यही चाहता है कि ये बातें आप समझे नहीं। मुझे आपको बताना है, आपने कितनी धन दौलत कमाई है, आपका परिवार कितना बड़ा है, आपका घर कितना बड़ा है, आपका बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, ये बातों को स्वर्ग के दृष्टिकोण में जीरो वैल्यू है। लेकिन आप कितना पवित्र जीवन जीते हो, आपने पवित्रता कितनी कमाई है, आप पवित्र जीवन जीते वक्त अपने सांसारिक अरमानों को किस तरीके से कुचल देकर आप पवित्र परमेश्वर को पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के नाम में पिता के राज्य को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए आप सांसारिक बातों का त्याग करते हो और पवित्र बातों का स्वीकार करते हो, और आपके जीवन में अगर पवित्रता है और फिर आपके जीवन में बैंक बैलेंस नहीं है, तो स्वर्ग के दृष्टिकोण में आप धनवान हो, क्योंकि पवित्र परमेश्वर चाहता है कि हमारे भीतर उसके पुत्र की पवित्रता बनी रहे। इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा है। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलना और बड़े-बड़े कारनामों के लिए नहीं है, तो पवित्र आत्मा का भेजने का मकसद यह था कि मेरा और तुम्हारा चरित्र पवित्र बन जाए। आमीन। बाइबल कहती है कि हम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहे। आगे पढ़ो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरेओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हत्या होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। अभी यहाँ पे ना, किसकी अधीनता में जाओगे उसको आप क्या करोगे, हैंडओवर करोगे। अगर मैं पाप की अधीनता में हूं, अगर मैं पाप की प्रभुता में हूं, तो मेरा शरीर बाइबल कहता है अधर्म के हथियार के लिए मैं सौंप दूंगा, मेरा शरीर अधर्म के हथियार के लिए। लेकिन जो मरे हुए से जिलाया गया है उस परमेश्वर को, अगर मैं मेरे अंग को धर्म के हथियार करके अगर परमेश्वर को सौंपता हूं, समझ में आ रहा है, मेरा जीवन, मेरे अंग, अंग मतलब आंख, कान, नाक, जुबान, दांत, हाथ, पैर, जो भी हमारे ऑर्गन से, ये जो ऑर्गन से, इसको मैं अधर्म के हथियार के लिए सौंपना चाहता हूँ या धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना चाहता हूँ। अधर्म के हथियार करके मैं दुष्ट को सौंपना चाहता हूँ, या जिसने मेरे लिए अपने पुत्र को भेजा, वो पुत्र मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, चलाया गया, खुदा की दाहिनी ओर गया, आने वाला है, उसके लिए धर्म के हथियार के लिए सौंपो। चॉइस हमारी है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे ये बार बार क्यों सुनाते है, परमेश्वर ने सबसे बड़ा वरदान इंसान को दिया है, अब वो वरदान है
चुनाव करना, चॉइस, ये सबसे बड़ा वरदान है। अदन की वाटिका में परमेश्वर हवा को रोक सकता था, लेकिन खुदावन जब वो वरदान देता है तो दे देता है, जल जैसा तुझे चाहिए तू अपने काम का फल खाएगा। सबसे बड़ा वरदान यह है। और यही वरदान में मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान गलत चुनाव करता है। आज मेरा चुनाव क्या है? दुष्ट के हाथ में मेरा शरीर के जो अंग है वो अधर्म के हथियार बोल के देना है, या मेरा जीवन, मेरे शरीर का अंग, फिर वो आंख हो, मेरी आंख दुष्ट बात सहन नहीं करनी चाहिए, मेरे कानों से मैं गलत बातें सुनना नहीं चाहिए, मेरे मुंह से कोई अशुद्ध बात निकलनी नहीं चाहिए, डबल मीनिंग नॉनवेज बात निकलनी नहीं चाहिए, मेरे हाथ से कोई कुकर्म मैं करना नहीं चाहिए, इन हाथों से कोई लत वाली बात या कोई नशीली बात मैं करना नहीं चाहिए, मेरे पैर कोई गलत राह पे जाना नहीं चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर को कुचलता हूँ और उसे दास बना के रखता हूँ, ताकि मेरी आत्मा मेरे शरीर पे प्रभुता करे। लेकिन आज उल्टा चल रहा है, आज लोगों की आत्मा पे शरीर प्रभुता कर रहा है। इसीलिए मनुष्य बिना डरे हुए, बिना झिझक रखते हुए वो पाप की खाई में जा रहा है। एक बड़ी संख्या नरक की अग्नि में जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी को, शरीर को स्वामी बनाया है। लेकिन तुम्हारा और मेरा स्वामी शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर धन है। उस अमर धन को हमारे जीवन में स्वामी बनाना होगा। अगर मेरी आत्मा मेरे जीवन की स्वामी है तो निश्चित मेरी आत्मा शरीर के कामों पर मुझे जयवंत करेगी। और आत्मा को अगर शरीर के कामों पर जयवंत करना है तो हमें आत्मा को बलवान करना होगा। और अगर आत्मा को बलवान करना होगा तो आत्मा को बलवान करने के लिए आत्मिक खुराक की जरूरी होगी। और आत्मिक खुराक कहाँ पे? आत्मिक खुराक परमेश्वर का वचन है, आत्मिक खुराक परमेश्वर के साथ संगत है, आत्मिक खुराक अच्छी सोच में, पवित्र चाल चलन में है, और खुदा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने में है। हालेलुया। आगे वचन 14 वचन देखो क्या कहता है, अगर तुम और मैं अपने शरीर के अंग को परमेश्वर को धर्म के हथियार के लिए सौंप देते हैं, तो 14 वचन क्या कहता है देखो, तब तुम पाप की प्रभुता ना होगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। ये वचन मैं थोड़ा सा, ये 14 वचन मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इसका भाषांतर बहुत अच्छा है। 7वां अध्याय और वचन 14, बाइबल कहती है, फॉर वी नो दैट द लॉ ऑफ लॉ इज स्पिरिचुअल, बट आई एम द फ्लेश Sold under sin. Sorry, कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी। 6:14 हाँ, for sin will have no dominion over you. Dominion, ये वर्ड मुझे चाहिए था, तुम्हारे ऊपर dominion मतलब हुकूमत, हुकूमत। आज आपने हृदय पे हाथ रखो, आप अपनी आप को सवाल पूछो, तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे विचारों के ऊपर, तुम्हारी फीलिंग्स के ऊपर, तुम्हारे इमोशंस के ऊपर आत्मा हुकुम चला रहा है या शरीर हुकुम चला रहा है? अगर शरीर हुकुम चला रहा है तो शरीर शरीर को खुश करने के लिए पाप में लेकर जाएगा। अगर आत्मा हुकुम चला रहा है तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए शरीर को कुचल कर परमेश्वर की दिशा में लेकर जाएगा। और परमेश्वर की दिशा पे वो लेकर जाएगा जो आत्मा के चलाए चलते, जो वचन के अनुसार चलते हैं। वचन बायहार्ड करना बहुत इजी है। मैं परसों एक हिमाचल प्रदेश में एक छोटी लड़की को मैंने देखा, उसका नाम शायद दिनेश वर्ल्ड, वो लड़की को बाइबल के 1500 वचन बाय हार्ट है। बहुत अच्छी बात है, छोटी लड़की, एक 12-13 साल की लड़की होगी। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं, हमें वचन बाय हार्ट रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतरीन बात क्या है, उस वचन के अनुसार मुझे चलना है। क्या कहा गया यहाँ पे, क्योंकि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना, कब हम पे पाप की प्रभुता नहीं होंगी, जब हमारे शरीर के अंग, जब हमारे शरीर के अंग परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धर्म के हथियार बन जाए। मेरा हाथ गलत काम के लिए नहीं, अच्छे काम का हथियार है। मेरी आंख
गलत देखने के लिए नहीं है तो अच्छी बातें देखने के लिए, मेरी जुबान गलत बात बोलने के लिए नहीं है तो अच्छी बात बोलने के लिए, मेरे कान गलत बात सुनने के लिए नहीं है तो अच्छी बात सुनने के लिए, मेरे पैर गलत संगति में जाने के लिए नहीं है तो पवित्रता की चाल चलने के लिए। इसका मतलब मेरे शरीर के जो अंग है वो हथियार है। अब ये हथियारों को अगर मैं, हमारा जो चीफ कमांडर है, हमारा चीफ कमांडर यीशु नासरी को हमारे ये हथियार अगर हम समर्पित करते हैं तो यीशु क्या करता है, पवित्र आत्मा को वो हैंड ओवर करता है, पवित्र आत्मा उसको अच्छी धार लगाता है आग के द्वारा, और वही हथियार हमको मिलते हैं और हम आत्मिक हथियार लेके हम शारीरिक हथियार को तोड़ देते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है तो हमारे युद्ध के हथियार आत्मिक है जो बड़े बड़े गढ़ों को नष्ट नाबूद कर सकते हैं। हालेलुया। आज बड़े बड़े लोग ये सब शारीरिक पाप में गिर गए, अब उनका जीवन खत्म हो गया। बाइबल कहती है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। लेकिन अनुग्रह के अधीन होने के बाद हम पाप के अधीन नहीं जा सकते, हमारे अंग हम अधर्म के हथियार बना के दे नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह ने हमें नए नियम में सुंदर एक पैराबल हमें दिया है। चलो हम उस यीशु मसीह उस पैराबल के पास चलते हैं। मैं ये केवल कैरेक्टर के पास क्यों नहीं आ रहा हूँ, मैं पहले ये सब बातें आपकी फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूँ, फिर हम कैरेक्टर में चलेंगे। जब वासना गर्भवती होती है, अभिलाषा गर्भवती होती है, तो अभिलाषा इंसान के जीवन में तीन प्रकार की है, धन की, मन की, धन की। दुनिया के कोई भी कोर्ट में जाकर देखो, इन तीन प्रकार की अभिलाषा के वजह से इंसान ने किसी इंसान का खून कर दिया है। अगर कोई खूनी को जाकर आप देखोगे तूने खून क्यों किया है, शायद वासना की, जो शरीर की वासना होगी, या धन की वासना होगी, या अपनी महिमा की वासना होगी, उसके वजह से उसने खून किया होगा। आज ये बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कोई भी कोर्ट में जाकर देखो, आपको वहां पे जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि या इस व्यक्ति ने खून क्यों किया है। अब इसलिए बाइबल कहती है वासना गर्भवती होती है या अभिलाषा गर्भवती होती है, अब वो पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु में बदल जाता है। हर जो गुनेगार है उसे सजा दी जाती है, लेकिन तुम्हारी और मेरी सजा यीशु मसीह ने सूली के ऊपर चुकाई है। लेकिन ये कब तक, उसे ऑलरेडी चुकाई, लेकिन बार बार मैं उसको सूली पे लटकाता हूँ क्या, बार बार वही गलतियां करता हूँ क्या? तो जो हम लोग अभी ये बात कर रहे, अगर तुम पर पाप की प्रभुता, पाप की हुकूमत, डोमिनियन ऑफ सिन, अगर आपके ऊपर पाप की प्रभुता ना हो, इसीलिए तुम्हारे शरीर के अंगों को तुम्हें खुदा को समर्पित करना होगा, ताकि वे अंगों को वो धर्म के हथियार बनाकर हमें दे और हम शारीरिक लालसा। यहाँ पर कुछ बात देखेंगे और उस बातों के बारे में जब हम चलते हैं 42 वचन से आगे, गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 9 एंड फ्रॉम वर्स 42 से हम अगर पढ़ते हैं, उसका हेडिंग दिया है ठोकर का कारण बनना, जो कोई इन छोटे में से मुझ पर विश्वास करते हैं और किसी को ठोकर खिलाए तो इसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका कर जाए और उसे गहरे समंदर में डाल दिया जाए। मतलब उसके शरीर के अंगों को डुबा दो ताकि उसका बॉडी ऊपर ना आए। क्यों? अगर हम जब तक उस शरीर के लिए मरते नहीं तब तक आत्मा के अंग क्यों लेकर आते नहीं। आगे चलते, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना। बाइबल कहती है टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दोनों हाथ रह के नरक की आग में डाल दिया जाए जो कभी बुझने की नहीं। गौर से सुनो, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाव रहते नरक में डाला जाए। देखो मैं जो बातें आपको बोला, यहाँ पे अंग है सब, ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता। आगे, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल,
काना होकर मतलब एक एक आंख का होकर तू जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है या दोनों आंखें होकर नरक में डाला जाए। ओके फिर आगे दिया है क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे, अपने में नमक रखो या आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया, क्या बात सिखाती है यहाँ पर हमें बाइबल, यहाँ पे बाइबल हमें एक बात सिखाती है, अगर तेरा हाथ तुझे समझता है गलत का हाथ, ये व्यक्तिगत रीति से तोड़ना मतलब कोई छुरी या कोई तलवार से या किसी ग्राइंडर से इस हाथ को काटना नहीं है, तो इसे काटने की बात क्या है, इस काटने की बात को समझना मतलब वचन की तलवार से। अगर आपके पास वचन का तलवार है, अगर एक मेन तलवार मैं आपको देता हूँ वचन की, पहला करिन्थियों 3:16 यहाँ पे बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये तलवार है, वचन तलवार है। बाइबल कहती है इब्रानी 4:12 में परमेश्वर का कलाम जीवित और सक्रिय है जो दोधारी तलवार से भी पहना है, शार्पिन बोथ साइड शार्पिन, दोधारी तलवार से भी शार्पिन है वो। अगर वचन की तलवार मेरे पास है, गौर से सुनो, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद के ऊपर से लेता हूं, मैं 1998 के पहले मैं जब उधार नहीं पाया था तो मुझे आदत थी तंबाकू खाने की। जिस दिन मेरा उद्धार हुआ, उद्धार होने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे पास वो वचन की तलवार थी। जब मेरे कोई पुराने दोस्त आते थे वो मेरे सामने तंबाकू की पूड़ी रखते थे, लेकिन तुरंत मेरे ख्याल में आता था नहीं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर कहता है जो कोई उसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा क्योंकि मेरा मंदिर पवित्र है वो तुम हो। मैं तुरंत उस व्यक्ति को, उस जो आए हुए प्रपोजल को, मैं इमीडिएट उसको मैं रिफ्यूज कर देता हूँ और कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, जिस खुदावन ने मेरे लिए जान दी है, जिसने मुझे इस नशीली बातों से छुटकारा दिया है, जिसने मुझे इस गुलामी से छुड़ाया है, जिसने मेरा जुआ खुद के ऊपर ले लिया है, जिसने मेरा दंड खुद 2020 साल पहले सूली के ऊपर ले लिया है, जिसने मेरे लिए कीमत चुकाई है, अब वो चाहता है मैं पवित्र हूँ क्योंकि मेरा शरीर पवित्र है, ये तंबाकू खाकर मैं मेरे खुदा को लचित नहीं करूंगा, मैं मेरे खुदा को दुखी नहीं करूंगा। इमीडिएट क्या होता है, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, पहला करीन 3:16 नाम की तलवार से मैं क्या करता हूँ, मेरे शारीरिक हाथ में मैं उस लत की बात को लेकर, नशीली बात को लेकर खाने वाला था, आत्मा की तलवार से मैं उस हाथ को तोड़ देता हूँ। इस तरीके से मतलब है उसका तोड़ना। अगर कोई व्यक्ति एग्जाम्पल समझो, मेरा उद्धार के पहले है, मेरा किसी के साथ गलत अफेयर है, उद्धार के पहले की बात, अब मैं उसके साथ बात करता था, शायद नॉनवेज बात होगी, शायद मेरे दोस्त के साथ बात करता होगा, इमीडिएट वो अगर मुझे कॉल करता है, वो कुछ नॉनवेज बात करता है तो इमीडिएट मुझे सुनने में आता है, मेरा परमेश्वर कहता है कि तू मेरी बातों पर कान लगा, दुनिया की बातों पर नहीं, मुझे इमीडिएट समझ में आता है। मैं क्या करता हूँ, फिर से वही तलवार को लेता हूँ, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके अंदर कोई गलत बात आ नहीं सकती, मैं कान को काट देता हूँ, मेरी जुबान को काट देता हूँ, मेरी आंख, अगर मुझे उद्धार के पहले मैं गलत तरीके से किसी को देखता था और उद्धार के बाद मुझे समझा कि मेरा परमेश्वर कहता है अगर मैं आपसे किसी स्त्री को अगर व्यभिचार के विचार से देखता हूँ तो मैंने मेरे हृदय के अंदर व्यभिचार किया है, ये वचन अगर मेरे पास है तो मुझे समझ में आता है, नहीं नहीं मेरे खुदा को अच्छा नहीं लगता, मैं इस वचन की तलवार से मेरी आँख को निकाल देता हूँ और कहता हूँ भले ही एक आँख से चलूंगा, काना होकर चलूंगा, लेकिन मैं जीवन की राह पे चलूंगा। उस जगह से एक आंख से काना होना मतलब क्या, अगर जिस आंख से मैं देख रहा हूं मैं उस आंख को वचन के द्वारा बंद कर देता हूं, यह है उसका मतलब। आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, हम आंखों से कितने बार कुछ गलत देख लेते हैं, कुछ कुछ बातों में हम घिर जाते हैं, हमारे पैर उद्धार के पहले कोई दोस्त के साथ मैं कहीं पर भी चला जाता था, अगर मेरा दोस्त कहता है कि मैं अलग अलग जगह पर कुछ पाप के लिए जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं पवित्रता की चाल चलूं, लेकिन मेरा दोस्त मुझे मेरे उद्धार के बाद अगर गलत राह पे लेके जा रहा है, भले मैं पाप नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसके साथ जा रहा हूँ, तो संगति में जाना भी एक प्रकार का पाप ही है, तब मुझे पीछे ध्यान में आना चाहिए मेरा परमेश्वर चाहता है, उसने कहा मेरे बच्चे मेरे राह पर चल,
मेरे बच्चे मेरे मार्ग पे चल, और वही वचन की तलवार से मेरा दोस्त जिस राह पे लेके जाने वाला मेरा पैर है ना, उस पैर को मैं काट देता हूँ। मेरी दोस्ती उसके साथ टूट जाएगी, लेकिन मेरी गहरी दोस्ती मेरे यीशु के साथ हो जाएगी। हालेलुया, ये है उसका एक्चुअल मीनिंग। लेकिन आज बहुत सारे लोग जानते नहीं है। अजीजो, मेरे पास समय खत्म हो गया, मेरे केवल 5 मिनट बचे हैं। मैं हर टाइम सोचता हूँ कि मैं कुछ और गहरा में लेकर जाऊं, लेकिन वो 1 घंटा भी काफी नहीं होता है। लेकिन आज मुझे ये बातें आपको गहराई से क्यों बतानी है? भले हमारे पास बहुत धन दौलत नहीं होगी, भले नाम शोहरत नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा का गहना, वो पवित्र जीवन का हमारे पास अगर प्रॉपर्टी है, वो पवित्रता का जीवन का धन दौलत, वही बात है जो हमें खुदा के राज्य में यीशु के आने के बाद लेकर जाएगा। क्या है मेरे पास? मेरे लाखों करोड़ों रुपए, मेरी बड़ी धन दौलत, मेरी बिल्डिंग, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सोना, मेरा गहना, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगी। तो मुझे लेकर जाने के लिए जो आएगा ना, वो कहता है बी होली बिकॉज आई एम होली। बी होली थ्रू एवरी ऑर्गन्स, थ्रू माई आईज, थ्रू माई टंग, थ्रू माई ईयर्स, थ्रू माई हैंड, थ्रू माई लेग्स, थ्रू माई हार्ट, एवरी थॉट्स। Because he always say, be holy, because I am holy. मैं पवित्र हूँ और तुम पवित्र हो जाओ। इस वचन को लेकर मैं बहुत सारे टॉपिक मेरे बाइबल में इतने सारे रेफरेंसेस में डाल के रखा हूँ कि इस पे बात करूंगा, उस पे बात करूंगा, लेकिन मुझे एक पैराबल समझाने में 1 घंटा चला जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि केवल आया हूँ, बकबक करना है, लोगों को देना है, सुनना है, मत सुनो। मेरी एक अंदर से मेरी दिले तमन्ना होती है कि भले मैं जो कुछ दे रहा हूँ ना, मेरे सुनने वाले एक व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो एक व्यक्ति को मेरा प्रचार अच्छी तरह से समझ में आए, और वो प्रचार को समझकर वो पवित्रता से अपने जीवन को भरे, पवित्रता का गहना वो पहने, पवित्रता की चादर वो पहने, पवित्रता से वो पवित्र हो जाए और अपना जीवन पवित्र जीता रहे। हालेलुया। मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं केवल आपको ये सब बाइबल की टिप्स दे रहा हूँ, ये मैसेज मैं आपको टिप्स के जैसे दे रहा हूँ। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं कि ब्यूटी टिप्स देते हैं, कुकिंग टिप्स देते हैं, मैं आज आपको होली स्पिरिट के, होली लाइफ के टिप्स दे रहा हूँ। बहुत जरूरी है। क्यों कह रहे यीशु मसीह, हाथ काटने, आंख नोच ले, पैर काटने, टुंडा होके जीवन में जा, दो पैर होके नरक की अग्नि में मत जा, लंगड़ा होके जीवन में प्रवेश कर, दो पैर होके नरक की अग्नि में मत जा। क्यों? ये वास्तविक पैर तोड़ने वाली बात नहीं है। जब हमारे सामने परीक्षाएं आती है ना, उन परीक्षाओं को तोड़ने के लिए वचन की तलवार होनी चाहिए। और फिर से वही पर लौट कर आता हूँ, दाऊद महाराज भजन संहिता 119:11 में यही बात कहते हैं, खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम मेरे मन में संभाल के रखता हूं। क्या है मेरे मन में? जब भी मन में अभिलाषा आती है ना, जब दुष्ट मन की अभिलाषा को लेकर आता है ना, जब मेरे आत्मा में वो कुछ गलत बात लेने की कोशिश करता है ना, मेरे मन में जो रखी हुई तलवार है ना, सडनली वो तलवार निकलनी चाहिए और उसकी अभिलाषा के टुकड़े 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 करना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में आई हुई अभिलाषाओं के ऊपर जीवन क्यों नहीं होते हैं? उनका मन खाली है, उनके मन में खुदा का कलाम की तलवार ना होने के वजह से उनके ऊपर अटैक के ऊपर अटैक हो रहे हैं। उसका एक मेवा कारण यही है कि उनकी तलवार उनके मन में नहीं है, उनकी तलवार यहाँ पर ही है जो कभी कभी खुलती है, लेकिन ये तलवार जब हम यहाँ पर रखते हैं तो यही तलवार निकलती है और शत्रु ने भेजे हुए सारे हथियारों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। हालेलुया। आज खुदावन यही बात आपसे चाहता है। क्या हम आज हमारे जीवन में उस वचन की तलवार को रखे हुए? मैं एकदम कैजुअली आपसे बात कर रहा हूं आज। मैं आज यही बात चाहता हूं अजीजों। बहुतों को देखा है मैंने, जो बड़ी बड़ी सेवकाई करने वाले, बड़े बड़े बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, परिवार चलाने वाले, जब उनके जीवन में जब तन की वासना आई, अब उस वासना के ऊपर उन्होंने जय नहीं पाई, उनका परिवार नष्ट नाबूद हो गया, उनका बिजनेस नष्ट नाबूद हो गया, उनकी नौकरी नष्ट नाबूद हो गई। कितने अभी भी मैं जानता हूं कि आज वो भीख मांग रहे। क्यों? पाप उन पे प्रभुता कर रहा था। अब पाप ने प्रभुता क्यों की? क्योंकि बाइबल कहती है पाप ने इसीलिए प्रभुता की क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर
दुष्ट को सौंप दिया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर रोमियो के किताब में जो हमने थोड़ी देर पहले जो छठा अध्याय वचन 12 से आगे हमने देखा, लेकिन अगर जिसने हमारे लिए मृत्यु ली, जो हमारे लिए जिलाया गया, अगर हम उसको सौंप देते हैं तो वो धर्म की हत्या। अब तब जाकर बाइबल कहती है पाप तुम पे प्रभुता नहीं करेगी, सिन नेवर डोमिनियन अपॉन यू। पाप आप पे प्रभुता नहीं करेगा अगर आपके शरीर के अंग धर्म के हथियार है, अगर आपके शरीर के अंग अधर्म के शारीरिक हथियार है तो निश्चित वो आप पे प्रभुता करेगा। लेकिन आपके शरीर के अंग योर बॉडी ऑर्गन इज स्पिरिचुअल वेपन, दैट टाइम सिन नेवर डोमिनियन अपॉन यू। आज अगर सिन आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है, बाप आपके ऊपर राज कर रहा है, बाप आप पे आकर हुकूमत कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे शरीर के ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंग हमने दुष्ट को अधर्म के हथियार के लिए दिए। भले ऊपर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जय मसीह की गॉड ब्लेस यू बोल रहे, लेकिन अंदर से हम बिके हुए अगर दुष्ट को, तो यही बात होने वाली है। कॉम्प्रोमाइज लाइफ, ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ बड़े बड़े सुरमाओं को धूल में मिटा दिया है, बड़ी बड़ी हस्तियां ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ के वजह से, ये समझौता जीवन के वजह से उनका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन धन्य वे लोग आज वही उसी जगह पर है, लेकिन जो पवित्रता के जीवन में जी रहे, अपने खुदा के साथ वफादारी कर रहे, अपने खुदा के साथ वफादार है, वे लोग धन्य, उनके लिए वो खुदा का बेटा बादल पे आएगा, उनको उठा के लेके जाएगा। फिर भले वो कब्रिस्तान में होंगे या शरीर में होंगे, कब्रिस्तान में होंगे तो भी महिमा का शरीर मिलेगा, इस शरीर में होंगे तो भी शरीर में महिमा आ जाएगी। हालेलुया, ये है हमारा खुदावन। मैं आपको आगाह कर रहा हूं इस वचन के द्वारा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे। मैं बोलने का काम कर रहा हूं कि खुदा ने मेरे अंदर जो आग लगाई है वो आग मुझे आपके पास लेकर आनी है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है, उद्धार का संदेश तो कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे और अधिक प्यार करे अगर आपकी इच्छा है ना। कुछ मत करो, सोच में, दृष्टि में, वाणी में, सुनने में, चाल चलन में, विचारों में, एक ही ध्यान में रुको, वो पवित्र है और वो चाहता है मैं पवित्र। अगर ये पवित्रता की चाल हम चलेंगे, निश्चय तुम्हारा मेरा खुदावन हमें महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। अगर हम ये सोच के चलेंगे तो पिता को बहुत फक्र महसूस होगा आप पे, और वो कहेगा वाह, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जिसने मेरे इकलौते बेटे का खून, खून की कुर्बानी इसने जाया होने नहीं दी, व्यर्थ तो होने नहीं दी। उसे महसूस होगा वाह, ये व्यक्ति है जिसने मेरे परमेश्वर का पुत्र उसका खून जाया होने नहीं दिया। ये चाल चलन में पवित्र है, ये सोच में पवित्र है,
ये देखने में पवित्र है, ये सुनने में पवित्र है, ये बोलने में पवित्र है, ये पवित्रता की रोज प्रैक्टिस करता है। जो पवित्रता की प्रैक्टिस करेगा ना वही उठा लिया जाएगा। ना कोई पेंटिकॉस्टल, ना कोई बिलीवर, ना मेथडिस्ट, ना सीएनआई, ना एंग्लिकन, ना कैथोलिक, ना प्रोटेस्टेंट, ना कोई पेंटिकॉस्टल, ऐसा कोई उठा लिया नहीं जाएगा। वही उठा लिया जाएगा जो वचन रूपी जल स्नान से अपने जीवन को शुद्ध करता है और पवित्रता की चाल चलता है। गलतीय 5:16 के अनुसार जो आत्मा से शरीर के कामों को दबाता है, जो आत्मा से शरीर के कामों पे हर दिन जयवंत होता है, जिसके पास आत्मा की तलवार है, जो शरीर के अंग जो पाप की ओर बढ़ते उन्हें वो काट देता है, वही व्यक्ति के लिए जब वो बादल पे आएगा उसी को लेकर जाएगा। जो वचन के सिंगार से सजी हुई दुल्हन है, जो अपना फाउंडेशन वचन के सिंगार से करती है, वही दुल्हन पवित्रता का चोला पहनी हुई है उसी को लेकर जाएगा। क्या उसमें मैं रहूंगा? क्या मैं उसमें जाने के लायक हूं? क्या उसका लहू जो मेरे लिए बहाया गया उसको मैं व्यर्थ कर रहा हूं, या वो लहू मेरे जीवन में आज काम कर रहा है? उस लहू में जो निष्कलंक बातें है, उस लहू में जो निष्कपट बातें है, उस लहू में जो पवित्रता है, क्या मेरे अंदर वो लहू बह रहा है? क्या मेरे चाल चलन में, मेरे विचारों में, मेरे बिहेवियर में, क्या मेरे यीशु के जैसा मैं चलता हूं? ये बातें बहुत मायने रखती है। आज बातों के ऊपर बहुत कम लोग है। आज सारे लोग ब्लेसिंग के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, भविष्यवाणियों के ऊपर, केवल लाइफस्टाइल के ऊपर प्रचार कर रहा है, लेकिन बहुत कम प्रचारक दिखते हैं जो होलीनेस के ऊपर बात करते हैं। वही व्यक्ति वो बात कर सकता है जो अपने जीवन में उस खुदावन की पवित्रता को संभालने के लिए अपने शरीर को कुर्बान करता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। एक लास्ट वचन परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहा है, मैं उस वचन को पढ़कर खत्म करता हूं। एक पत्रस में वो वचन है, एक पत्रस 2:10, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर आप तुम पर दया हुई है यीशु के लहू के द्वारा। आगे पढ़ो, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं, 11 कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उससे बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अब इसका मूल जो अर्क बताना चाहता हूँ वो अर्क ये है, जो मेन पावर पॉइंट ये है कि संसारिक अभिलाषा शरीर से युद्ध नहीं करती है, शरीर के साथ वो लड़ती नहीं है। तो संसारिक अभिलाषा बाइबल कहती है आत्मा से युद्ध करती है। अगर वो आत्मा से युद्ध करती है, अगर संसार की अभिलाषा आत्मा से युद्ध करती है, तो तुम्हारे पास धर्म के हथियार होना चाहिए, जिसे आत्मिक हथियार कहा जाता है, अधर्म के हथियार नहीं होना चाहिए, जिन्हें शारीरिक हथियार कहा जाता है। अगर संसारिक अभिलाषा वासना के द्वारा, लालच के द्वारा, खुद के घमंड के द्वारा, क्रोध के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा संसारिक अभिलाषा आती है, तो तुम्हारे पास अगर वो आत्मा से युद्ध करती है, तो तुम्हारा आत्मा युद्ध करने वाला एक सैनिक होना चाहिए। तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, ये पहचान वो है, पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ जब एक होती है ना, और तुम्हारे जीवन में अगर आत्मिक बातों को महत्व मिलता है ना, तो तुम्हारी आत्मिक तलवार को दोनों तरीके से धार लगी हुई होती है, और वो धार क्या करती है, संसारिक अभिलाषा के टुकड़े टुकड़े करती है। लेकिन अगर मेरा आत्मिक जीवन अगर कमजोर है, मैं आत्मिक दशा में बहुत ही दुर्बल हूं, तो संसारिक अभिलाषा मेरी आत्मा के ऊपर हुकूमत करके, मेरे शरीर ऊपर हुकूमत करके मुझे पाप में गिरा देगी। इसीलिए सैमसन दलीला की गोद में अपनी शक्ति को गवा दिया। हालेलुया। और इसीलिए यूसुफ पोटीपर के घर से भाग गया, भले उसे भगोड़ा कहा गया, लेकिन खुदा के दृष्टिकोण में वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया।
हालेलुया, क्योंकि यूसुफ की आत्मा के साथ जब संसारिक अभिलाषा पोटीपर की स्त्री के द्वारा आई थी तब उसका आत्मा बलवान था, इसीलिए वो वहां से भाग गया और उस पाप में नहीं गिरा, लेकिन उल्टा हो गया। सैमसन जब दलीला नाम की संसारिक अभिलाषा आई तो उसकी आगोश मिस हो गया, इसलिए उसने शरीर पे हुकूमत करके जो सैमसन गधे की हड्डी से हजार को मारने वाला, वो सैमसन उधर छटपटाने लगा, दुर्बल हो गया, अंधा हो गया, पलिश्तियों की चक्की पीसने लगा। क्यों? क्योंकि आत्मिक हथियार आज विश्वासियों के गंज लगे हुए, जंग लगे हुए खत्म हो गए। आज तैयार हो जाओ पवित्र आत्मा की अग्नि में आकर, केवल रबा रबा नहीं, उसके साथ समय बिताकर अपने आत्मिक तलवार को धार लगाओ और आज से संसारिक अभिलाषा के टुकड़े टुकड़े कर दो, तब जाकर इन पाप में बातों पर आप जयवंत होंगे। बहुत जरूरी है, भले आपने कुछ कमाया नहीं होगा लेकिन आपने पवित्रता कमाई होगी ना, यही पवित्रता तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श जीवन देगी, और वही आदर्श जीवन मसीह का परिवार बोल के पहचान कराएगी, और यही परिवार मसीह के राज्य में उठा लिया जाएगा। हालेलुया, प्रभु करे 10 मिनट ज्यादा हो गए, क्षमा चाहता हूं, प्रभु आपको वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे, और इस पापमय बातों पे जयवंत होने के लिए आपकी आत्मा की तलवार हमेशा धार लगी हो, जो संसारिक अभिलाषा के टुकड़े टुकड़े करते रहे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमेशा बना रहे, ताकि आपका जीवन हर क्षेत्र में पवित्र हो जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।